बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रबी अस्सिर वल आत अस्सिर वतमी बिल हैर रब जिद नीलमा अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ द मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 7 एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.5। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज यू आर बी एबल टू कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द शेडेड एंड अनशेडेड रीजन इन कंपोजिट फिगर। ठीक के इतने एबल हो जाएंगे कि जो है ना वो एरिया और पैरामीटर फाइंड कर सकेंगे। कॉम्पोजिट शेप्स वो होती हैं जो कि डिफरेंट शेप से मिलकर बनी होती है, जैसे रेक्टेंगल्स के रेक्टेंगल ट्रायंगल इस तरह डिफरेंट शेप से, तो उनका आप एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोजिट फिगर्स। अब जो है ना हमने इनका एरिया और जो है ना पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पैरामीटर फाइंड करना जो है ना वो इजी है। ठीक है, पैरामीटर ये है कि हमने सारी चीज़ साइड्स को जो है ना वो ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ये 15 है, इसको ऐड करना है। ठीक, ये 3 है, इसको ऐड करना है। ये 10 है, इसको ऐड करना है। ये हमें गिवन नहीं है, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये सब हमने काम करने हैं, इनको ऐड करना है, हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक चंद, पहले जो है ना ये जो हमें गिवन नहीं है हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये 12 मीटर है। ठीक, इसमें से हम ये 3 और 3 को माइनस कर दें, 12 में से हम 6 माइनस कर दें तो हमारे पास 6 मीटर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 6 मीटर। ठीक चंद, अब जो है ना हम इसको जो है ना पैरामीटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। 15, 3, 10 and 6, 7, 3, 12 and 12। ठीक, ये पैरामीटर हो गया। इस सब को आप ऐड कर लें, इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, जी स्टूडेंट्स, इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 68। ठीक है, और ये मीटर्स में दिया गया है, मीटर्स। अब हमने फाइंड करना है एरिया। ठीक स्टूडेंट्स, एरिया फाइंड करना है इस सारी शेप का। ठीक, इस शेप को जो है ना वो आप जो है ना डिफरेंट जो है ना वो शेप्स में जो है ना वो डिवाइड कर लें। ठीक, ये हमारे पास एक बन गया। ठीक है, एक ये रेक्टेंगल बन गया। फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना वो 3 रेक्टेंगल्स बन गए। ठीक, एक ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नंबर 1, दिस इज रेक्टेंगल नंबर 2 एंड दिस इज रेक्टेंगल नंबर 3। ठीक है, रेक्टेंगल का आपको एरिया का फाइंड करने का फार्मूला मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इस जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल, जो थर्ड वाला रेक्टेंगल है, इसका जो है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें लेंथ गिवन है, ये ब्रेथ, ये हमारे पास आ गया। और ये फिगर 1 और 2 और 3 इनको ऐसे करके ना, फिगर 1 या शेप 1, 2, 3 आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ है। लेंथ है इसकी 10, ये देखें 10 है, और ब्रेथ है इसकी 3। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट 30 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये फिगर 1 हो गई, अब जो है ना वो फिगर 2 हो गई। ठीक है, फिगर 2 में जो है ना ये हमारे पास ये नहीं गिवन हमारे पास। ठीक है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 15 है, इसमें से हम ये 10 को माइनस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाती है 5। ठीक, ये हमारी ब्रेथ होगी 5 और इसकी लेंथ होगी 12। ठीक है, इधर हमने जो है ना 12 को जो है ना 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ इनटू ब्रेथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 60 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, थर्ड जो है ना फिगर हमारे पास ये हो गई, इसमें जो है ना ये 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये हमारे पास आ गई फिगर थर्ड, लेंथ इनटू ब्रेथ 7 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड वी गेट 21 मीटर स्क्वेयर। ठीक, अब हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल एरिया में हमने इन तीनों को जो है ना वो ऐड कर देना। ठीक है, 21 प्लस 60 प्लस 30। ठीक है, इसको हम ऐड करें, हमारे पास आ रहा है 111। ठीक, मीटर स्क्वेयर। ठीक, ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही इसमें एरिया और पैरामीटर हमने फाइंड करना था। ठीक, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जो है ना ये इधर फिगर हमें दी गई, इसको भी जो है ना वो हम उसमें डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक हमारी ये शेप बन गई, एक हमारी ये शेप बन गई। ठीक,
ये दो फिगर्स में जो है ना एरिया फाइंड करने के लिए जो है ना वो हमने इसको डिवाइड कर लिया। लेकिन देखें हमें ना इसकी जो है ना ये नहीं गिवन, ठीक है, ये आपने फाइंड करनी है और ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 8 में से आप 4 को ये इतना माइनस कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये आपके पास आ रही है 4 सेंटीमीटर। पैरीमीटर फाइंड करने के लिए भी आपने ये चीज़ फाइंड करनी है और एरिया के लिए भी, ठीक। ये आपके पास आ गई, ये 10 आ गई, ये 4 आ गई, और उसके बाद जो है ना ये भी आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है। ये टोटल 5 है पैरामीटर के लिए, तो आपको ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये टोटल 10 है, 10 में से जो है ना ये आपने इसको 5 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5, ठीक। स्टूडेंट्स पहले जो है ना आपने इनकी ये जो है ना ये फाइंड आउट करनी है, ये पैरामीटर के लिए भी, क्योंकि पैरामीटर साइड सब साइड्स का जो होता है ना वो सम होता है, ठीक। ये हमारे पास आ गया, पहले हम पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पैरामीटर है 10 + 4 + 5 + 4 + 5 + 8, ठीक। ये हमारे पास जो है ना वो टोटल पैरामीटर हो गया। इसको हम ऐड करें 20, 24 एंड 8, 36। ये हमारे पास आ गया 36 सेंटीमीटर्स, ठीक स्टूडेंट्स। अब जो है ना वो हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का ये एक शेप हमने ये बना ली, ठीक है, शेप 1, इसको आप नाम दे ले 1 का, ये 2, ठीक। ये शेप 1 जो है ना वो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, इसकी लेंथ है 10, ब्रेथ 4, ये हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप 2, लेंथ इनटू ब्रेथ 5 × 4, वी गेट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक फ्रेंड्स। इसको जो है ना वो आपने ऐड कर देना, टोटल एरिया 40 + 20 एंड वी गेट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें तो ये हम दो फिगर्स बना रही, ठीक है, एक ये बन गया रेक्टेंगल हमारा, एक ये बन गया। इस तरह जो है ना वो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। अब जो है ना हमारे पास ये गिवन नहीं है, ठीक है। पैरीमीटर के लिए भी जो है ना ये 5 5 और ये सब हमें गिवन है, हमें ये वाला गिवन नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये टोटल है 6 और ये है 4। 6 में से आपने 4 माइनस किए तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। ये हमारी शेप 1 हो गई, ये शेप 2 हो गई, ठीक। अब जो है ना हम इसका पैरामीटर और जो है ना वो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। पैरामीटर के लिए इन सबको हमने ऐड करना है, ठीक है, 5 + 6 + 8 + 2 + 4, ठीक फ्रेंड्स। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया पैरामीटर 36 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है, ठीक। शेप 1, ठीक, ये हमारे पास आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ 5 × 6, वी गेट 30। और ये शेप 2 हो गई, ठीक है। शेप 2 भी लेंथ इनटू ब्रेथ इस जी स्टूडेंट्स, अगर हम शेप 2 को ऑब्जॉर्व करें ना तो हमारे पास ना ये भी गिवन नहीं है, हमने ये भी फाइंड आउट करनी है। देखें, ये टोटल है 8 और इसमें से हम इतना पार्ट माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसमें से 8 में से ना 5 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए हमने ये इतने पार्ट का भी फाइंड करना है, ठीक है। पैरामीटर में तो ये टोटल था ना तो वो आ गया, उसके अंदर ऐड हो गया, लेकिन एरिया के लिए हमने इतना पार्ट फाइंड करना है। ये टोटल 8 है, 8 में से हमने 5 माइनस किया, हमारे पास इतना 3 आ गया, ठीक स्टूडेंट्स। तो फिर ये जो है ना शेप नंबर 2 की जो है ना लेंथ इनटू ब्रेथ हमारे पास होगी 2 × 3 एंड वी गेट 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना फिर आपने इसका टोटल एरिया कर लेना है, टोटल एरिया हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया 30 + 6 एंड वी गेट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर थ्री इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर फोर में ये हमें ये साइड दी गई, ये दी गई, ये भी नहीं गिवन। ठीक है, ये पहले हमने पैरामीटर के लिए भी जो है ना इनको जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ये भी नहीं हमें गिवन, ये टोटल 25 है। ठीक है, 25 में से हम 5 माइनस कर दें तो ये हमारे पास इतनी आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो आ रही है 20। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गई 20 मीटर्स, ये भी 20 मीटर्स हो गई। अब ये भी नहीं हमें गिवन कि ये कितनी है। ठीक है, ये टोटल जो है ना वो है 20। ठीक है, 20 से हमने जो है ना वो 4 माइनस किए। ठीक, 4 माइनस किए तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया, फिर हाफ इस साइड पर है, हाफ इस साइड पे है। ठीक है, तो इट्स मीन्स ये 8 हो गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे पास जो है ना वो 8 आएगा, ये 8 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 8। अब इस फिगर की दो शेप्स बना लें, ये एक शेप नंबर 1 ये हो गई और ये एक शेप नंबर 2 हो गई। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसका एरिया और पैरामीटर जो है ना वो इजीली जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, दिस इज 4। ठीक, इसमें 20 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 5 और फिर अगेन ये 20। ठीक है, दिस वन इज 5, फिर ये 8 और फिर ये 20। ठीक स्टूडेंट्स, ये 60 हो गया, 70। जी स्टूडेंट्स, इसको हम ऐड करें तो देखें 20 20 20 60, दिस वन इज 70 हो गया और इसमें 16 ऐड किए 84 86 और फिर 4 ऐड किए 90, हमारे पास आ गया 90 मीटर्स। ठीक, एरिया जो है ना वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमने टू शेप्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, शेप 1 का एरिया ऑफ शेप 1। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, ये लेंथ है 20, ब्रेथ है 4, ये हमारे पास आ गया 0 4 2 times 8। ठीक है, ये आ गया 80 मीटर स्क्वेयर्स। ठीक, और फिर उसके बाद जो है ना इस वाली शेप का। ठीक है, एरिया ऑफ शेप 2, लेंथ इनटू ब्रेथ 20 multiply by 5 एंड वी गेट 100 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है टोटल एरिया। ठीक है, 80 plus 100 एंड वी गेट 180 मीटर स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। एंड नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये हमने टेबल को कंप्लीट करना है। देखें, ये इधर इन्होंने फर्स्ट में दिया हुआ है 1400, ये ऊपर यूनिट है मिलीमीटर स्क्वेयर, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वेयर में और मीटर स्क्वेयर में। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में 1400 मिलीमीटर स्क्वेयर, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पहले सेंटीमीटर स्क्वेयर में। ठीक, सेंटीमीटर एक 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है ना वो होते हैं 10 मिलीमीटर्स। ठीक, अब ये स्केयर है, इट्स मीन्स कि हमने इसको जो है ना वो 2 10 से जो है ना वो डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये छोटी यूनिट से जब हमने बड़ी यूनिट में जाना है तो तब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये 1400 को हमने डिवाइड किया 10 से और फिर डिवाइड किया 10 से एंड वी गेट 14 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर स्केयर और इसी से 14 सेंटीमीटर स्केयर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर स्केयर्स में। ठीक है, ये आप इधर राइट ऑन करें, मीटर स्केयर्स में। मीटर स्केयर्स में करने के लिए यू नो दैट कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, इट्स मीन्स कि हम 40 को जो है ना वो 200 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे और ये पॉइंट, जब हमने इसको डिवाइड किया, ये आप को पता है ये 0.40 है, 0.40 के बाद जो है ना लगेगा। ठीक है, 1000 की डायरेक्ट डिवीजन आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये जो है ना 2, ये 2 पॉइंट और इसके साथ हम 2 जीरोज़ लगाएंगे। ठीक है, 1 4, ये नीचे 4 0 है और ये 4 के बाद जो है ना पॉइंट मूव कर गया। ठीक है, ये इधर आ गया मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये आंसर आया 0014।
पार्ट नंबर वन हमारा सॉल्व हो गया. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर टू. पार्ट नंबर टू में हम देखें तो हमें दिया गया हुआ है 100 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको हमने मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और 7 मीटर स्क्वायर में. ठीक, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर. ठीक, ये अब हमने बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है. इट्स मीन्स के जो है ना हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 100 को जो है ना वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 and 10. ठीक है, एंड वी गेट 10,000. ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 10,000. ठीक, ये मिलीमीटर स्क्वायर में 10,000. ठीक, साथ हम इधर इसकी ये यूनिट भी अप्लाई करेंगे. ठीक, नेक्स्ट अब जो है ना इसी सेंटीमीटर स्क्वायर्स को जो है ना वो हमने कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर. ठीक है, 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्स. इसको हम मीटर स्क्वायर्स में करेंगे तो इसको 200 से जो है ना वो हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 200 के हम इसको 10,000 से जो है ना वो डिवाइड कर देंगे. ठीक स्टूडेंट्स, क्योंकि स्क्वायर है ना इस वजह से. ठीक, हम इसको डिवाइड किए, 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए और ये पॉइंट जो है ना 2 मूव कर गया. ठीक है, ये कैंसिल, 0.2 मूव कर गया और ये जो है ना वो 2 डिजिट्स के बाद जो है ना वो पॉइंट आएगा. ठीक है, और ये जो है ना मीटर स्क्वायर्स में जो है ना वो कन्वर्ट हो गया. ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया 0.01. ठीक, नेक्स्ट हमें जो है ना ये मीटर स्क्वायर दिया गया हुआ है. ठीक है, 5 जो है ना वो मीटर स्क्वायर हमें जो है ना वो गिवन है. इसको जो है ना वो हमने चेंज करना है. जी स्टूडेंट्स, पहले हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है ना वो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. ठीक है, ये बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट ने छोटी यूनिट में जाना है. इट्स मीन्स कि हम इसको 200 से जो है ना 100 ये इससे जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 5,000. ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ये आ गया 50,000. ठीक, एंड दिस इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स. ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना 5,000 जो है ना 50,000 जो है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आ गया. ठीक, अब इसी को ही जो है ना वो हमने मिलीमीटर्स में जो है ना वो कन्वर्ट करना है. ठीक, यू नो दैट के 1 सेंटीमीटर के अंदर जो होता है ना वो 10 मिलीमीटर होता है. इसको जो है ना हम 3-4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर था. इसको कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर स्क्वायर्स में हम 2-10 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसके आगे जो है ना वो 6 जो है ना वो जीरोज आ गए. ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर हम इधर राइट डाउन कर देंगे 3, 4, 5, 6. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स सॉल्वड नाउ. Now students, question number 3. Some part of a floor of a hall is covered with carpet. Find the portion of the floor uncovered. ठीक है, ये कुछ पार्ट है फ्लोर का जो है ना वो हॉल का, उसमें कारपेट बिछा हुआ है. तो जो है ना आपने पोर्शन फाइंड आउट करना है अनकवर्ड का. ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये कवर्ड है, ये वाला पार्ट सारा जो है ना ये कवर्ड है. ठीक, आपने ये जो है ना इस पोर्शन का जो है ना वो फाइंड आउट करना. जी स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमें पहले ये टोटल लेंथ दी गई हुई है फ्लोर की 15 मीटर और ये 10 मीटर. ठीक है, इससे इसको हम माइनस करके ये फाइंड कर लेंगे. ठीक है, ये पार्ट फाइंड कर लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो फिर जो है ना हम इससे फाइंड कर सकते हैं ये. ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो हम इसकी ये ज़ाहिर एक वर्ड प्रॉब्लम है तो ये जो है ना इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर. ठीक है, ये हमारे पास है 15 मीटर. ठीक है, और ये जो कवर्ड लेंथ ऑफ फ्लोर है, कवर्ड लेंथ ऑफ फ्लोर ये है हमारे पास 10 मीटर. ठीक है, ये 15 मीटर है, ये हमारे पास 10 मीटर है. और उसके बाद जो है ना लेंथ ऑफ और टोटल ब्रेथ ऑफ फ्लोर
या विड्थ ऑफ फ्लोर, ठीक है, ये हमारे पास 5 मीटर है। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो है ना हमने फाइंड आउट करनी है अनकवर्ड की, ठीक है, अनकवर्ड लेंथ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, ठीक है, दिस इज 15 माइनस 10 एंड वी गेट 5 मीटर। ठीक सेंस, ये हमारे पास आ गई 5 मीटर आ गई, और अब हमने जो है ना ये पार्ट हमारे पास आ गया 5 मीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो वेरी सिंपल, एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, ठीक है, लेंथ इन टू ब्रेथ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वी गेट 25, और ये मीटर्स में दिया गया हुआ है, ठीक है, एंड मीटर स्क्वेयर। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन, ठीक है। अब हमने एरिया फाइंड करना है, ये वॉकिंग ट्रैक, ये एक लॉन है और उसका ये जो वॉकिंग ट्रैक है ना, इसका हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसका फाइंड आउट करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ लॉन, ठीक है। अब हम इस इतने हिस्से का पहले एरिया फाइंड आउट करने लगे हैं, 16 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ दिस इज 6 मीटर। एरिया ऑफ लॉन लेंथ इनटू ब्रेथ 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इसको 16 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, वी गेट 96 मीटर स्क्वेयर्स, ठीक है। ये आपके पास इतने पार्ट का एरिया आ गया 96 मीटर स्क्वेयर। अब हमने ये जो है ना टोटल का फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास था 16, तो फिर 2 हमने इधर से भी ऐड किया, 2 हम इधर से भी ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 20, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 20 लेंथ ऑफ लॉन विथ वॉकिंग ट्रैक, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 20 मीटर, ठीक है। 16 ये, 2 ये ऐड किया, 2 ये ऐड किया, ठीक है, दिस वन इज 20 मीटर, ठीक। ये 20 मीटर हो गया, और विड्थ ये देखें, ये 6 है, 2 ये ऐड किया, 2 ये ऐड किया, ठीक है, ये हमारे पास 10 हो गया। विड्थ ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक, ठीक है, दिस इज 10 मीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है, एरिया ऑफ लॉन विद वॉकिंग ट्रैक 20 मल्टीप्लाई बाय 10, वी गेट 200, ठीक है। ये आपके पास आ गया 200 मीटर स्क्वेयर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब आ गया एरिया, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक, ठीक है। एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक जो है ना, इस टोटल के अंदर से जो है ना वो हमने इसको माइनस कर देना है, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारे पास टोटल आया था 200, ये हमारे पास आया था 96, ठीक है। ये माइनस करके जो है ना हमारे पास आ गया 104 मीटर स्क्वेयर, ठीक स्टूडेंट्स। एंड नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इट्स सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन अ गिवन फिगर, ठीक है। ये अनशेडेड रीजन का ना हमने जो है ना वो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। ये पहले हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये टोटल लेंथ जो है ना हमारे पास 50 है, इसमें से हम ये 2 और 2 के 4 माइनस कर दें, तो हमारे पास जो है ना इसकी लेंथ आ जाएगी। फिर विड्थ फाइंड आउट करेंगे, सेम ये 20 है, 20 में से ये 2 2 4 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, इन दोनों की आ जाएगी, तो फिर जो है ना हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक, ये हमारे पास टोटल 50 है, 50 में से ये 2 ये माइनस किए और 2 ये वाली साइड के -4 एंड वी गेट 46
मीटर्स है, ठीक। और अगेन लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है, ये 20 है, 20 माइनस 4 वी गेट 16, ठीक है, 16 आ गया। अब हमने जो है ना वो एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ है हमारे पास 46 और ब्रेथ है हमारे पास 16, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 736 मीटर स्क्वायर्स, ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, नाउ इट्स सॉल्वड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, अब हमने इस फिगर का जो है ना पैरामीटर और एरिया जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर में होता है हमने सब साइड्स को जो है ना होता है ना वो ऐड करना होता है, ठीक है, ये हमारे पास है 8, ये आगे 3, दिस इज 5, ये फिर अगेन 8, ठीक है, फिर ये 3 और ये 5, ठीक है, इसको हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 8, 16, 8, 9, 5, 5, 10 हो गए, 10 में 6, 16 और 16 और 16 में ऐड किए वी गेट 32, ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 32 मीटर्स, ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। अब हमने ना इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसको हम ना तीन जो है ना वो फिगर्स को जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक शेप ये हो गई, ठीक सेंस, अगर ये देखें तो ये ट्रायंगल की शेप है, ठीक है, ट्रायंगल का जो फार्मूला फाइंड करने का, एरिया फाइंड 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक, और ये भी ट्रायंगल है, ये दोनों जो है ना ट्रायंगल की देखें हम बेस और हाइट सेम है, तो हम इसको दो फिगर्स का भी यूं कर सकते हैं, ठीक है, कि एक का फाइंड करके तो वो दूसरे को उसमें ऐड भी कर सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक, या इसको कंप्लीट एक स्केयर भी, रेक्टेंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं करने लगी हूँ एरिया ऑफ शेप वन, ठीक है, ये 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस है 3 एंड हाइट है 4, ये कैंसल और ये मेरे पास आ गया 6, ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना एरिया ऑफ शेप टू, जी स्टूडेंट्स ये जो सेकंड फिगर है ये एरिया ऑफ शेप टू, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये आपके पास आ गया 32, ठीक है, मीटर स्केयर एंड मीटर स्केयर, एरिया ऑफ शेप थ्री, फिर यही वैल्यूज हैं आपके पास जो है ना वो 6 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स ये दो शेप्स का एरिया हो गया, थर्ड का ये सेम इसकी का ही है, ठीक, जैसे आपने इसको सॉल्व किया ना इसी तरह ही जो है ना इसका 1/2 बेस इनटू हाइट, ये भी एक ट्रायंगल की शेप है, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर, ठीक, 6 मीटर स्केयर। अब हमने जो है ना इसका टोटल एरिया फाइंड करना है, इसको ऐड कर लेना है, 6 + 6 + 32 12 एंड 32 4 एंड 44, ठीक है, ये इधर आ गया 44 मीटर स्केयर, ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।